गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज का जो वीडियो है वह है चैप्टर 7 का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। काठमांडू जो चैप्टर समाप्त हो गया है उसी का आज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि व्हाई इज काठमांडू फेमस, डिस्क्राइब ब्रीफली। काठमांडू प्रसिद्ध क्यों है, विस्तार पूर्वक इसका वर्णन करें। तो आंसर इसका होगा कि काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल, या काठमांडू जो है नेपाल की एक राजधानी है जो कि कई मायने में, कई मामलों में यह प्रसिद्ध है। हियर इज द टेम्पल ऑफ पशुपतिनाथ, यहाँ पे जो है पशुपतिनाथ का मंदिर है और बौद्धनाथ का स्तूपा है, ठीक है। द पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड विजिट हियर रेगुलरली, यहाँ जो है पूरी दुनिया का लोग डेली रेगुलर जो है आते हैं। इन द टेम्पल ऑफ पशुपतिनाथ ओनली हिंदू आर परमिटेड टू एंटर इन द टेम्पल, मंदिरों में पशुपतिनाथ के मंदिरों में सिर्फ हिंदुओं को ही जाने का, इंटर करने का मंदिर में परमिशन है, आदेश है, ठीक है। मर्केनरी रिलीजियस सेंट ईटीसी विजिट हियर टू अटेंड इन द टेम्पल, यहाँ पे जो है साधु संत भी, हर धर्म के लोग, जो धर्म के लोग भी यहाँ पे मंदिरों में आते हैं, शामिल होते हैं। पीपुल ऑफ बौद्ध रिलीजियस विजिट टू सी बौद्धनाथ स्तूपा एंड बुद्धिस्ट थिंक ऑफ काठमांडू, वहाँ के जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं, ठीक है, काठमांडू के वो जो है बौद्ध धर्म के जो लोग है वो बौद्धनाथ का स्तूपा देखने के लिए और उनका प्रतिमा देखने के लिए भी वहाँ उपस्थित होते हैं। तो इस इन सारी चीजों से यह काठमांडू जो जगह है यह प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लेंगे। चलिए तो देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर, जो आपको बता दें कि डिस्क्राइब बौद्धनाथ स्तूपा एंड इट्स सराउंडिंग, बौद्धनाथ स्तूपा के बारे में वर्णन करें एंड इट्स सराउंडिंग, और इसके आसपास के चीजों के भी बारे में वर्णन करें। तो यहाँ पर है कि बौद्धनाथ स्तूपा द बुद्धिस्ट श्रिंक ऑफ द काठमांडू, देयर इज ए सेंस ऑफ स्टिलनेस, इट्स इमेंस व्हाइट डोम इन रिंग बाय अ रोड, अ स्मॉल शॉप्स स्टैंड्स ऑन इट्स आउटर एज, द शॉप आर मेनली ओन्ड बाय द तिब्बत इमिग्रेंट्स, सेल्ड बाय तिब्बतियन प्रिंस एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी ब्राउन हियर, हियर इज नो क्रॉस, इट इज ए हैवन ऑफ व्हाइटनेस, ठीक है ना। यहाँ जो है भीड़ भाड़ कम होती है, यहाँ जो है क्राउड का मैंने सी, हियर इज नो क्राउड, इट इज ए हैवन ऑफ क्वाइटनेस, ये जो जगह है यह काफी शांतप्रिय जगह है, यहाँ भीड़ भाड़ नहीं है, ठीक है, और इसमें जो है लोग दूर दूर तक यहाँ लोग आते हैं। तो यह बौद्धनाथ स्तूपा के बारे में यहाँ पे ये रहा आंसर आपका, इसे आप नोट कर लेंगे। हाँ, ध्यान दीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो पहले समझ लीजिए क्या कहता है कि डिस्क्राइब डेली हैपनिंग एट पशुपतिनाथ, जो पशुपतिनाथ में रोज हो रहा है क्या क्या, जो वर्णन कवि ने किया है उसी को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो ये एट पशुपतिनाथ ये ब्रैकेट है, ठीक है, ये ब्रैकेट आपका यहाँ कंप्लीट होता है,
ये ब्रैकेट में रखा गया है कि पशुपतिनाथ आउटसाइड दिस साइन प्रोक्लेम एक्सटेंस फॉर द हिंदूज ओनली देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेवरी कंफ्यूजन प्रिस्ट ऑफर्स डिवोटी टूरिस्ट काउ मंकी स्पीशीज एंड डॉग्स रोम टू द ग्राउंड। वहां आसपास ये सारे चीज फेरी वाले चिड़िया बर्ड्स ठीक है ना पुजारी यात्री भक्त लोग गाय बंदर कबूतर कुत्ते ये सारे जो है उस पशुपति टेम्पल के आसपास जो है दिखाई देते हैं प्रतिदिन घूमते हैं। देयर आर सो मेनी वर्शिपर हैज स्कीम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंडेंस अटेंशन आर एल्बोड असाइड बाय अदर पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट मंकी जंप ऑन द शिवलिंग एंड रन स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल। उसी में बंदर जो है कूद जाता है शिवलिंग पर सारे लोग चिल्ला चिल्ला कर रखते हैं बाद में। तो ये था डेली जो पशुनाथ मंदिर में कल लेखक ने देखा था कि रोज की घटनाएं क्या होती है। तो ये आप इसे नोट कर लेंगे और ये आपका जो है दो क्वेश्चन और बाकी रह जाता है 4 और 5 जो नेक्स्ट दिन हम कराएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।